सेल्फी के फ्लॉप होने की खबर पर कंगना रनौत ने ली चुटकी, कहा 10 लाख भी नहीं कमा पाई करण जौहर की फिल्म। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी अभिनीत कॉमेडी ड्रामा सेल्फी शुक्रवार 24 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म को पहले दिन बेहद कम ओपनिंग मिली और सिनेमाघरों में खोजने से भी दर्शक नहीं मिल रहे हैं। ये फिल्म अक्षय कुमार के करियर की सबसे खराब फिल्म बनने की तरफ अग्रसर है। अब इस पर कंगना रनौत ने चुटकी ली, उन्होंने करण जौहर और अक्षय कुमार दोनों पर निशाना साधा है। सेल्फी ने पहले 3 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसके बुरे हालात को देखते हुए इसकी तुलना कंगना रनौत की डिजास्टर फिल्म धाकड़ से की जा रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स अक्षय की सेल्फी को मेल वर्जन ऑफ धाकड़ कह रहे हैं। कंगना को इसी बात पर गुस्सा आ गया। उन्होंने अक्षय कुमार और करण जौहर को ट्वीट कर आड़े हाथों लिया। कंगना रनौत ने पहला ट्वीट किया और लिखा, करण जौहर की फिल्म 10 लाख रुपए भी नहीं कमाई, लेकिन मीडिया वाले ना तो उनका नाम यूज कर रहे हैं और ना उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम, जिस फिल्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसके फ्लॉप होने का रीजन भी मुझे बताया जा रहा है। वाह भाई करण जौहर वाह। याद दिला दें कि पिछले साल रिलीज हुई कंगना रनौत की धाकड़ ने बॉक्स ऑफिस पर कितने कमाई की थी, इसका खुलासा आज तक नहीं किया गया है। फिल्म पहले ही दिन डिजास्टर बन गई थी। धाकड़ की बात जब भी आती है तो कंगना को मिर्ची लग जाती है और वो फिल्म ला जाती हैं। कंगना ने अब इसे लेकर सेल्फी स्टार अक्षय कुमार और करण जौहर पर भी निशाना साधा है। सेल्फी के बारे में कहा जा रहा है कि इसका बजट 100 करोड़ से ऊपर का है और फिल्म ने पहले ही दिन सिर्फ 3 करोड़ कमाए हैं। ऐसे में इसका क्या भविष्य होगा, ये तो आप समझ ही गए होंगे। दरअसल सेल्फी मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का हिंदी रीमेक है।